बोतल में मैंने आलूओं को भर दिया। अब देखते हैं कि हम लोग क्या बनाते हैं। आलू को मैंने उबाल लिया और आलू बिल्कुल मेरे ठंडे हैं, आपको गर्म आलू नहीं रखने, बिल्कुल ठंडे आलू हैं। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें कद्दूकस ग्रेटर से आलूओं को घिस लेंगे, जिससे लम्स बिल्कुल ना रहे, बिल्कुल इसमें चंक्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल ऐसे आपको खूब अच्छे से देखिए बारीक वाला, इसीलिए मैंने कद्दूकस लिया जिससे कि बिल्कुल छोटे छोटे भी चंक्स बिल्कुल इसमें ना रहे। ऐसे में तीनों आलू को अच्छे से घिस लूँ, मैंने अच्छे से घिस लिया। अब एक चम्मच की सहायता से बिल्कुल इसमें लम्स ना रहा, इसलिए मुझे चम्मच से खूब अच्छे से मैश कर देना है। ऐसे करके आपको कद्दू बिल्कुल मैश कर देना है कि एक भी चंक्स लम्स जो भी कण हो आलू के छोटे मोटे वो बिल्कुल ना रहे, ऐसे कर देना खूब अच्छे से। आधी छोटी चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधी छोटी चम्मच पिसी हुई हल्दी, अजवाइन क्रिश करी हुई थोड़ी सी, बिल्कुल देखिए 1/4 चौथाई चम्मच, एक पिंच हींग, ऐसी इतनी हींग डाल देनी है। नमक डालना स्वाद अनुसार, नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार। अब इसमें डालेंगे हम बेसन, बेसन आप जितना आलू ऑब्जर्व कर सके उतने आपको डालना है। पहले मैं एक चम्मच डाल दे रही हूँ, फिर एक दो चम्मच और डाल दे रही हूँ, यानी कि 2 चम्मच बेसन डाल दे। अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, पहले थोड़े से पानी की हम छींटे मार के अच्छे से हाथों से मैश करेंगे। थोड़ा सा डो को हमें ढीला रखना है और खूब अच्छे से हाथों से आपको मलाई करनी है। एक चम्मच थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे, देखिए, और इसको इतना पतला रखना है कि हाथों में अगर हम लें तो आराम से चू जाए, देखिए इतना पतला रखना है। और इसमें 2 चम्मच मेरा बेसन लगा था, आपने देखा था उसी बड़ी चम्मच से मैंने 2 चम्मच 3 आलूओं में बेसन लगा है। देखिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब एक गिलास लेंगे, उस पर आप क्या दूध की, तेल की, जैसी भी थैली हो आप उस थैली को ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल की, ऐसे करके हम इसको इसमें डाल लेंगे, ऐसे करके देखिए इसके अंदर आसानी से ऐसे मुझे डाल देनी है बैटर को। अब हाथों से ऐसे कर लेनी है, देखिए मेरी कोन बिल्कुल तैयार हो गई। देखिए बोतल लेंगे, इसके अंदर इससे मिश्रण को भर देंगे, देखिए वैसे तो हम बोतल भर नहीं पाएंगे लेकिन ऐसे भर जाएगा हमारा मिश्रण। बोतल में मिश्रण को भर लिया है और मैंने इसे होल कर लिया था इस ढक्कन में। हम कई प्रकार के होल कर सकते हैं, ऐसे मैंने इसमें चौड़ा वाला करा जैसे चौड़े चौड़े निकलते हैं, और इसमें मैंने गोल वाले करें, आप चाहें तो डिज़ाइन के भी कर सकते हैं। अब इसमें ढक्कन को कस देंगे। अब हम लोग चलते, रख दिए तेल को बहुत अच्छे से और बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखना है, स्लो नहीं करनी है गैस को। अब हम बोतल की सहायता से इसमें निकालेंगे, ऐसे दबाते धीरे धीरे दबाते हुए आराम से निकल जाएंगे, ऐसे करके देखिए। बेसन कम है हमारा, आलू ज़्यादा है, इसलिए हमारी आलू भुजिया है बहुत अच्छी लगती है, आप ज़रूर बनाइए इसे, आपके मशीन ना हो आप ऐसे बना सकते। आपको फिर इसको हल्के से पलट देना है और इसको अच्छे से सेक लेना, थोड़ा सा कलर गोल्डन हो जाए। हमारे अच्छे से सिक गए, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लें, फिर से बोतल की सहायता से ऐसे डाल देंगे, आप दबाते रहिए बस निकल जाएंगे आराम से, देखिए आराम से निकल। इसको मैंने स्लो बिल्कुल नहीं करा, हाई फ्लेम ही रखी और ऐसे ही मुझे सेक लिया। हम एक प्लेट में निकाल, फिर इसमें आराम से आपको दबा के निकाल देंगे। आपके मशीन ना हो बोतल की सहायता से कुछ भी बना सकते हैं आप। मेरी इस बोतल में मिश्रण थोड़ा कम रहेगा इसलिए ऐसा होगा। अब हम जो बचा हुआ मिश्रण है उसको भी ऐसे, देखिए भजिया हमारी कितनी अच्छी बनी है आलू की, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी, देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितनी कुर्रम कुर्रम बनी, देखिए अच्छे से। मैंने ये थोड़ी बनाई थी इसलिए थोड़ी, आप चाहें तो ज़्यादा ही बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ मशीन ना हो तो आप बोतल के ढक्कन पे छेद करके किस्त भी आकार का बना सकते हो। अगर आज आपको मेरे बोतल से आलू की भजिया बनाना पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, बाय, टेक केयर।